रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कश्मीर में फेल हो गई मोदी सरकार, दो दिनों की वारदात से हिल गया गृह मंत्रालय। जम्मू कश्मीर के फतेह कड्डाल में सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड से किया हमला, हमले में 3 जवान व 1 स्थानीय नागरिक के घायल होने की है सूचना। रमजान के माह में गृह मंत्रालय की ओर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन न चलाए जाने की घोषणा के बाद बड़ी वारदात, सरकार की नीति पर उठे सवाल। पत्थरबाजों का हमला बढ़ गया है, फोटो गूगल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही रमजान के पाक महीने में एक तरफा ऑपरेशन रोकने की घोषणा कर दी, लेकिन कश्मीर में सेना के बंधे हाथ का लाभ आतंकी व पत्थरबाज उठा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा बलों पर तीसरा बड़ा हमला हुआ है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने एक तरफा ऑपरेशन रोकने के लिए सरकार को मजबूर किया, वे अब चुप क्यों हैं? वे पत्थरबाजों को समझाने के लिए घाटी में क्यों नहीं जा रहे? सीएम महबूबा मुफ्ती और केंद्र सरकार के निर्णय पर खुशी जताने वाले फारूक अब्दुल्ला भी इन मामलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 7 व 8 जून को कश्मीर आ रहे हैं। इस दौरान वे स्थिति की समीक्षा करेंगे। सेना का ऑपरेशन बंद होने से सशक्त हो रहे आतंकी, फोटो गूगल। कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार बवाल हुआ और पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया, उससे साफ है कि आतंकी संगठन किसी भी स्थिति में युद्ध विराम के मूड में नहीं है। सुरक्षा बलों की जीप को रोकने की कोशिश की गई, उसमें मौजूद सुरक्षा कर्मियों की जान को खतरा जान, ड्राइवर ने गाड़ी को भगाया तो एक पत्थरबाज की मौत हो गई। इस मामले में जीप के ड्राइवर पर केस तो दर्ज किया गया है, लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आ गया है। इस संवेदनशील स्थिति में कश्मीर में ऑपरेशन रोकने के गृह मंत्रालय के फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं। घाटी में बढ़ गई है आतंकी गतिविधि, फोटो गूगल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह निर्णय कमजोर पड़ते आतंकियों व उनके समर्थकों को एक बार फिर मजबूत बनाने में मदद करता दिख रहा है। इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों का अभियान चलता था तो एक डर आतंकियों व उनके समर्थकों के दिल में बढ़ने लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। आतंकियों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के फतेह कड्डाल के चिंकराल मोहल्ला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया। हमले में 3 जवान व 1 स्थानीय नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने हमले में सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया। इससे पहले आतंकियों ने शुक्रवार को अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था। हमले में 2 जवान सहित 1 नागरिक घायल हो गए थे। हमले में सुरक्षा बलों का 1 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। सुरक्षा बलों पर बढ़ रहे हैं हमले, फोटो गूगल। बुधवार को पुलवामा जिले में आतंकियों ने 2 स्थानों पर ग्रेनेड हमला किया था। पहले हमले में सुरक्षा बलों की नाका पार्टी तो दूसरे में नेका नेता के घर को निशाना बनाया गया था। दोनों घटनाओं के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पहला हमला जिले के बनूरा गांव में नए सर्कुलर रोड पर किया गया, जहां आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी को निशाना बनाया। आतंकियों की ओर से फेंका गया ग्रेनेड निशाने पर न लगते हुए पास के एक सेब के बगीचे में गिरकर फट गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया।